क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, फिर टाइप करना है केन यूपी। टाइप करने के बाद आपको इस पे सेकेंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल कर लेने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, फिर फैक्ट्री को चूज करना है, फिर आपको सर्च बाई कोड पर क्लिक करना है। यहाँ से आप विलेज का कोड डाल सकते हैं और किसान का कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास किसान का कोड और विलेज का कोड नहीं है, इसीलिए मैं नाम से सिलेक्ट करूंगा। विलेज का नाम डालना है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे किसान का नाम डालना है। किसान का नाम डाल लेने के बाद आपको इंटर करना है और इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको गन्ना कैलेंडर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप पर्ची देख सकते हैं कितनी आई है, कितनी आने वाली हैं। इस प्रकार से आप गन्ना पर्ची देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट करते होंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। मैंने अगली वीडियो में आपको बताया है इसे फुल प्रिंट कैसे करते हैं।